हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरीके से मल्टीमीटर को यूज किया जाता है। देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसमें देखिए, एनसीवी फंक्शन इस मल्टीमीटर में नया है, और जो जनरली चिप मल्टीमीटर रहते हैं, सस्ते मल्टीमीटर रहते हैं, उसमें आपको एनसीवी फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो लास्ट तक देखिए, इस चीज़ को समझाऊंगा लास्ट में कि किस तरीके से एनसीवी काम करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए, फर्स्ट में जो आपको ऑफ़ दिख रहा है, यहाँ पर इस सिलेक्टर को रखोगे तो मल्टीमीटर ऑफ रहता है। ठीक है, ऑफ़ के बाद अगर हम इस तरीके इस साइड को आएंगे तो ये एनसीवी फर्स्ट आता है। इसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, आप लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दो रेंज दिख रही हैं, ये वी और एसी का साइन है, तो ये एसी वोल्टेज यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए, मल्टीमीटर यूज करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस आपको यूज करना है। जैसे जिस रेंज में भी आपको वोल्टेज या करंट चेक करनी है, आपको एक वहाँ पर गैस करना होगा कि यहाँ पर इतना एम्पियर वोल्टेज होगा या इतना वोल्टेज होगा। जैसे सपोज दैट आपको सिंगल लाइन पे चेक करना है, तो मैक्सिमम 240 या तक वोल्टेज आ सकता है, तो आपको उस कंडीशन में एसी 750 वोल्ट रखना है, 750 वोल्ट वाली रेंज सेलेक्ट करना है। सेम कंडीशंस अप्लाई होगा डीसी के लिए। अगर आपको डीसी वोल्टेज चेक करना है, 20 वोल्ट चेक करना है, तो उस टाइम को आपको 20 पर रख करके चेक नहीं करना है। जिस रेंज की वोल्टेज चेक करना है, उससे ऊपर ही आपको वोल्टेज सेलेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट प्रिकॉशंस के उससे ध्यान में रखते हैं कि जिस भी चीज़ को आप चेक कर रहे हो, चाहे वो वोल्टेज हो, करंट हो या रेजिस्टेंस हो, तो आप दो बार इस चीज़ को ज़रूर चेक करिए कि आपने ये जो सिलेक्टर स्विच है, ये उसी रेंज पर रखा है या नहीं रखा है। मैक्सिमम टाइम इसी पर मिस्टेक होता है और मल्टीमीटर इसी से ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद। ये जो नेक्स्ट रेंज है, ये देखिए, यहाँ पर एम्पियर ए है, ठीक है ना, एम्पियर करंट की यूनिट है, इसे करंट मापेंगे। और ये वाला जो सिंबल बना हुआ है, ये एसी का सिंबल है, तो ये दो रेंज एसी सिंबल की, यहाँ पर 200 मिली एम्पियर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर 10 एम्पियर चेक करते हैं। ठीक है, और ये अगला रेंज है, ये वाला एचएफई वाला, ठीक है, ये चेक कराता है ट्रांजिस्टर, इससे हम ट्रांजिस्टर चेक करते हैं। इस रेंज पर आपको मल्टीमीटर रख करके, यहाँ पर ये जो टर्मिनल्स दिख रहे हैं, अमीटर बेस, कलेक्टर, अमीटर, ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर को लगाना है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है। देखिए, ये मेरे पास एक BC547 ट्रांजिस्टर है, शायद वीडियो में उतना क्लियर दिख नहीं पा रहा, बट यहाँ पे मैं इसको ऑन करके इस मोड पर रख देंगे पहले। ठीक है, इस मोड में रखने के बाद यहाँ पे देखिए, इसको इस तरीके से इंसर्ट करना है। अब देखो, रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर सही है। अगर रीडिंग नहीं दिखाता तो इससे पता चलता है कि ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुका है। ये एक ट्रांजिस्टर है जिसमें तीन टर्मिनल होंगे, अमीटर, बेस, कलेक्टर, और आपको इसके अमीटर, बेस, कलेक्टर को, इन पिनों पर भी अमीटर, बेस, कलेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये BC547 NPN ट्रांजिस्टर है, इस पर भी दो रेंज होती है। जो ऊपर वाली रो आपको दिख, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ऊपर वाला, ये NPN ट्रांजिस्टर का है, ठीक है, और नीचे वाला जो रो दिख रहा है, ये PNP ट्रांजिस्टर का है। ठीक है, नीचे वाले पर अगर NPN लगाएंगे तो वो रीडिंग नहीं दिखाएगा, ऊपर वाले पर अगर PNP लगा देंगे तो रीडिंग नहीं दिखाएगा। इन दोनों को अलग अलग यूज़ करना है, ऊपर N है और नीचे P टाइप ट्रांजिस्टर यूज होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डायोड की रेंज आती है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं आप डायोड की, या किसी भी डायोड या कंटिन्यूटी, मतलब किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक PCB चेक करनी है, वहाँ पर कंटिन्यूटी बन रही है या नहीं बन रही है, या कोई वायर शॉर्ट तो नहीं है, कोई लीड शॉर्ट तो नहीं है, उस चीज़ को चेक कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, यहाँ पर एक डायोड चेक करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस पर डायोड चेक कर सकते हैं। देखिए, डायोड में वन साइड रीडिंग आना चाहिए, और अगर आप प्रॉप को चेंज करते हैं तो रीडिंग नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, डायोड को ध्यान से देखिएगा पहले। ये जो आपको ये वाला प्रॉप दिख रहा है, ये कैथोड है, और ये वाला प्रॉप एनोड है। ठीक है, अब इस तरीके से आपको मल्टीमीटर कनेक्ट करना है। ये वन साइड रीडिंग दिखाएगा और वन साइड रीडिंग नहीं दिखाएगा। अभी देखिए, आप इस साइड में रीडिंग दिखा रहा है, वन साइड में रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, एनोड पॉजिटिव ने पॉजिटिव लगाया, कैथोड माइनस इस पर ब्लैक वाला होता है, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब इसी को हम प्लट करके देखेंगे तो रीडिंग नहीं दिखाएगा। देखिए, ये मैंने प्लट दिया है, अभी देखिए यहाँ पर अब रीडिंग नहीं आएगी। अगर इस कंडीशन में रीडिंग आती है इस तरीके से टच करने पे, तो ये डायोड ख़राब हो चुका है, या बीप करता है, इस तरीके से बीप करेगा तब भी ये ख़राब हो चुका है।
ठीक है। तो इस पर डायोड अगर सही कंडीशन पे वन साइड रीडिंग दिखाना चाहिए और वन साइड रीडिंग नहीं दिखाएगा। ये वन वे वॉल्व की तरह भी यूज होता है, इसका कार्य है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रेंज, अगला आता है, ये रेंज है, यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि ओम का साइन बना हुआ है, ठीक है, ओम का सिंबल्स बना हुआ है। ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की। तो ये जो इतना आपको वाइट वाला पट्टी दिख रहा है ये पूरा रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। यहाँ पर भी आप जो लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 200 ओम से नीचे ओम का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, यहाँ 2 किलो ओम यानी कि 2000 ओम, यहाँ 200 किलो ओम, यहाँ 2 मेगा ओम, यहाँ 20 मेगा ओम, ये रेंज है, ठीक है। 20 मेगा ओम में कितना ओम हो जाएगा, 10 की पावर 6, ठीक है, और किलो ओम में कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3। तो ये है रेंज है, यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस चेक किया जाता है, ये वाला वाइट वाला रेंज। और जो वैल्यू का रेजिस्टेंस आप कलर कोड से एक अप्रॉक्सीमेट निकाल रहे हैं उसके ऊपर आपको चेक करना है। रेजिस्टेंस में ज़्यादा मीटर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप रेजिस्टेंस पर लगा करके हर एक रेंज पर देख सकते हैं, ठीक है, इससे मीटर ख़राब नहीं होगा। लेकिन वोल्टेज के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वोल्टेज आपको पता होना चाहिए कि कितना है करंट और वोल्टेज, तभी आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद कभी भी मीटर को सप्लाई पर लगाने के बाद ये प्रॉब को नहीं घुमाना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मीटर जल जाएगा, ये फूक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक हो सकता है, रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं इसके द्वारा। अब नेक्स्ट रेंज है, ये देखिए यहाँ पर ये सिम्बल्स है वोल्टेज का, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज का सिंबल बना हुआ है वी, वोल्ट का सिंबल है, तो ये डीसी वोल्टेज है। यहाँ पर सिंबल देखिए, ये स्टेट है ना, यहाँ पर आपको एसी में दिखाया था एसी सिंबल बना था, यहाँ पर डीसी का सिंबल बना हुआ है, तो यहाँ पर आप डीसी चेक करेंगे, ठीक है। डीसी वोल्ट कितना है, इसमें मैक्सिमम रेंज 1000 वोल्ट है, 1000 वोल्ट चेक कर सकते हैं उससे वाले नेजर में, 220 और लास्ट मिनिमम 2 वोल्ट तक चेक कर, 2 वोल्ट से नीचे है 200 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट तक मिनिमम हम इस मीटर से चेक कर सकते हैं। और इसको चेक करने के लिए, ये रेंज होगी इसकी पूरी कंप्लीट, चेक करने के लिए थोड़ा प्रॉप्स का ध्यान रखना है आपको। जब 10 एम्पियर चेक कर रहे हैं तो ये रेड वाला यहाँ पर लगाना है और कॉमन वाला ब्लैक पे ही रहेगा, ठीक है। एम्पियर चेंज करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, ये हमेशा आप प्रिकॉशंस के अंडर ही आता है कि आप इस लीड प्रॉप को चेक कर लीजिए, ये सही से कनेक्ट है या नहीं है। अगर प्रॉप सही कनेक्ट नहीं है तो इसको सही कनेक्ट करना है। एक तो रेंज वाला टॉपिक मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, और लास्ट में आपको उसका ये वाला चेक करना है, ठीक है, ये प्रॉप सही से लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। और मल्टीमीटर को यूज़ करने से पहले एक बार इस तरीके से कंटिन्यूटी रेंज पर रखिए और ये दोनों प्रॉप को मिलाइए, अगर ये बीप कर रहा है तो मीटर सही है, अगर बीप नहीं कर रहा है तो हो सकता है आपकी लीड ख़राब हो या मल्टीमीटर में कोई फॉल्ट हो। मल्टीमीटर चेक करने से पहले, यूज करने से पहले इस तरीके से चेक कर लेना, ठीक है। ये पूरा बता दिया, ये इसकी डिस्प्ले है और इस बटन से इसमें लाइट, आप अगर नाइट में यूज़ कर रहे हैं तो इसको ग्लो करवा के रीडिंग ले सकते हैं। ये होल्ड है, होल्ड बटन का क्या यूज़ रहता है, होल्ड का मतलब है जैसे हमने कोई रीडिंग ली और उस रीडिंग लेते वक्त हम इसको दबा देंगे तो वो रीडिंग होल्ड हो जाएगा, ठीक है। वेट कीजिए, मैं आपको होल्ड करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से, देखिए जैसे यहाँ पे 3 रीडिंग आ रहा है, ठीक है, और मैंने इसको दबा दिया तो ये 2 पे ही होल्ड हो गया, 2 ओम्स इसका शॉर्ट करने पे इस वायर का रेजिस्टेंस है जो 2 ओम दिखा रहा था और यहाँ पर 2 ओम में होल्ड हो गया, ठीक है। ये प्रिकॉशंस के लिए दिया रहता है, जब आप वोल्टेज और करंट चेक करते हैं तो उस वहाँ पर लगा के आपको होल्ड बटन दबा के तुरंत ये लीड हटा देनी है, ज़्यादा टाइम तक वोल्टेज के लिए ये दोनों लीड को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्विच आता है ये वाला, ये देखिए, ये इस तरीके से जब इसको दबा के रखेंगे तो ये लाइट चलेगी। अब मैंने आपको बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एनसीवी का यूज़ बताऊंगा। एनसीवी दो उससे पहले 2 वोल्टेज और बच गए हैं, डीसी वोल्टेज चेक करना और ये वाला पार्ट एसी वोल्टेज चेक करना, ये भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक 3 फेज का सॉकेट है, इसमें आर वाई बी तीनों फेज आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लगा के देखेंगे, देखिए 403 वोल्ट आ रही है, ठीक है, 2 फेजों के बीच में, और तीसरे फेज में देखते हैं इसमें भी 405 वोल्ट है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लाइन वोल्टेज चेक किया, फेस टू फेस वोल्टेज जब हम चेक करते हैं इसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको देखिए यहाँ पर लगाया और इसको अर्थिंग के साथ लगाया, ये अर्थिंग अर्थ और फेज के बीच में वोल्टेज दिखा रहा है, यानी कि सिंगल फेज का वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है। देखिए, ठीक है, मतलब ये अर्थ और फेज के बीच का वोल्टेज है, अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और अर्थिंग कहीं ना कहीं लूज होगा इसलिए पूरा, ये देखिए यहाँ पर एक्यूरेट वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है। इसको सिंगल फेज वोल्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल हमेशा अर्थ रहता है। तो इस तरीके से आप वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। ये एसी वोल्टेज चेक किया था, यहाँ पर देखिए 750 पर रख करके एसी वोल्टेज चेक किया था और 3 फेज वोल्टेज चेक किया है।
ठीक है। देखिए एक फंक्शन बच गया था एनसीवी का, जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। एनसीवी का फुल फॉर्म होता है नॉन कनेक्ट वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब मैं जब इसके पास में ले जाऊंगा तो ये बीप करेगा, ठीक है। इसमें हमको कनेक्ट नहीं करना है, फिर भी हम इसका मतलब है कि यहाँ पर सप्लाई है। हटा दूंगा तो बीप हट जाएगा, फिर इसके पास में ले जाऊंगा तो ये बीप करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ऊपर से वो करना है, ठीक है। देखिए ये इस बटन को दबा के रखना है, इससे एनसीवी काम करेगा। देख लीजिए, ठीक है, ये लाइन दिखा रहा है। अगर इसको आप होल्ड कर देंगे तो ये होल्ड रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं बिना ये प्रॉब लगाए हुए कि वोल्टेज आ रहा है या लाइन पे या नहीं आ रहा है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम पूरे मल्टीमीटर का यूज करते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस इसमें करनी होती हैं यूज करते वक्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीके का नेक्स्ट वीडियोज आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल पाए। आप लोग वीडियो वॉच करते हैं बट लाइक करने का कोई पेमेंट्स नहीं देना है, ना ही आपका कोई पैसा कट रहा है। तो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर थोड़ा भी कुछ आपको इससे सीखने को मिला हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।